हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। देखिए, भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उन नदियों के प्रवाह क्षेत्र एक ओर अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी तक इनका प्रवाह क्षेत्र है। भारत की वर्तमान जल प्रवाह प्रणाली प्राचीन एवं भूतकालीन जल प्रवाह प्रणाली का एक अवशेष है, जो क्रमशः विकसित होती जा रही है, और इसी आधार पर हमने इन भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा है। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आइए देखें, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हिमालय की प्रमुख नदियाँ। देखिए, हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जिनका वर्णन हम नीचे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, यानी भारत के उत्तर में, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिम की ओर प्रवाहित यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इसी क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नोबरा, स्योंग तथा हुंजा इसी नदी में आकर के मिल जाती हैं, और इसलिए इसका जो विस्तार है बहुत बड़ा हो जाता है। सिंधु नदी के मैदान का जो ढाल है बहुत ज़्यादा धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ है। सिंधु नदी का विश्व की लंबी नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। दूसरा है गंगा नदी। गंगा नदी जो हमारे यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, पवित्र नदी गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमालय की गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें आकर के मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर के जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इनमें से कुछ प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आदि इसमें मिलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इन्हीं इसी के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के जो कुछ भाग हैं उन कुछ भागों में बाढ़ आती रहती हैं, क्योंकि इसमें पर्वतीय क्षेत्रों से नदी आती है तो इसमें पानी की बहुतायत मात्रा हो जाती है, और जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती हैं जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जिन क्षेत्रों में बाढ़ें उत्पन्न करती हैं वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं, उन क्षेत्रों को ये नदियाँ कृषि योग्य बना देती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह विशाल नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर आगे गिर जाती है, और यहाँ जहाँ ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा ये बनाती है, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए बंगाल को तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2500 अर्थात 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसी की एक तीसरी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के समीप स्थित है। हालांकि इसकी लंबाई सिंधु नदी से अधिक है, परंतु इसका जो अधिकतर मार्ग है बाहर भारत से बाहर अब स्थित है। यह नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की ओर से निकल करके असम में प्रवेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी
अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है। इस नदी का मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप कहलाता है। यह नदी प्रत्येक वर्षा ऋतु में अपने किनारे को ऊपर बहने लगती है। जब पर्वतीय क्षेत्रों से यह असम राज्य में प्रवेश करती है तो पानी की अधिकता के कारण यह अपने किनारे को ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत क्षति पहुंचाती है। यही कारण है बच्चों कि यह नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने के नाम से भी जानी जाती है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। जो तिब्बत के पठार से होकर आती है तो वहाँ इसको सांपू नदी कहते हैं। थोड़ा आगे आकर के जब चीन के पीले लोएस के पठार में जब ये पहुँचती है तो इसको पीली नदी आदि के पीली नदी कहते हैं। पुनः बाद में अपने असम में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गंगा के साथ गिर करके विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के निर्माण कराने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती है। इस तरह से आज आपको हिमालय की तीन प्रमुख सहायक जो नदियां हैं इनके बारे में आपको बताया गया है। कल आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद, आज इतना ही।